अच्छा सर, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बड़ा एक क्यूरियोसिटी पाई जा रही है लोगों में। ज़ाहिर है एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत खत्ता है, वहाँ पर NCA का क्या फोकस है? आप हाल ही में कुछ दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान के दौरे से भी वापस आए हैं, तो क्या प्रोजेक्ट्स उधर आप शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के हमने 3 विज़िट कर लिए हैं, और एक्चुअली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश थी तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत जो है फराख़दिली के साथ हमें कहा कि वो हमें वहाँ पे 100 करोड़ जगह देंगे, और वो ख्वाहिश कर रहे थे कि वहाँ कैंपस। तो ये किस जगह पे? गिलगित में। जी, गिलगित में। तो गिलगित में हमें अभी उन्होंने 34 करोड़ जगह हैंड ओवर कर दी है, और वहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हमारी क्लासेस होंगी। और उसके लिए कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है? जी नहीं, एक बिल्डिंग का पार्ट भी है। ओके। एक प्लॉट है 34 करोड़ का। तो क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा रीजन है कि वहाँ से और सीट बहुत कम थी, और आप भी जैसे जानते हैं कि जो कोटा सिस्टम है सीट का, वो आबादी के रेशियो के साथ है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो बड़े एक अफसोस हुआ करता था कि एक एक सीट है हर डिपार्टमेंट की, और इतना वो रिच एक प्रोविंस है, एक एरिया है जहाँ से बच्चे आते हैं, और बहुत उनने एक गुंजाइश थी इसकी। तो अब क्योंकि उन्होंने एक लीड ली, चीफ मिनिस्टर ने उन्हें स्पेस भी दी है, तो हम बिल्कुल हम विलिंग हैं, और पूरी हमारी कोशिश है कि वहाँ पे एक NCA का एक हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश करेंगे, और अपने मोमेंटम के साथ फिर वो एक सब कैंपस की शक्ल फ्यूचर में अख्तियार कर लेगा इंशाल्लाह।